Hey guys, good evening. I welcome you all to Examshala. My name is Satan Gupta and I'm your educator. So, हम लोग December month में आ चुके हैं. November month का video upload हो चुका है. आप दोनों part देख सकते हैं जाके. इस video में भी 150 MCQ होंगे. जो लोग नए हैं, शायद वो सोचे कि 150 MCQ एक महीने में possible है. सर जी, possible है. अगर आप इस पूरे video को देखते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे. कैसे? तो देखिए, कई बार होता है कि कोई, लेट्स से ब्रिक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो एक क्वेश्चन वो दूसरा बना लेगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं, फिर पूछ लेगा कि इस साल कौन गया, उसका डेलीगेशन लीड किसने किया, इस साल कहाँ पे हुआ था, ठीक है. ऐसे कोई डे आ गया तो डे की थीम क्या है, या डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, डेट क्या है, तो वो उस तरह की चीज़ों को मैं एक ही क्वेश्चन में ले लेता हूँ. तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी कवर हो जाएगी और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर कवर करूंगा, तो नवंबर मंथ हो चुका है. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. दिसंबर मंथ का शुरू हो चुका है आज पार्ट 1, कल शाम के पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है. इसके बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च इसी क्रम में आपको मिल जाएंगे. सो पूरे वीडियो ध्यान से देख लेना, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं. वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी. इसके अलावा डेली वहां पे हम लोग टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कर रहे हैं. मॉर्निंग 10 o'clock पे आपको एक टेस्ट पेपर मिल जाता है बैंक का और एक एसएससी का, और शाम के उसका सॉल्यूशन वहां पे अपलोड हो जाता है. तो मेक श्योर आप जाके जरूर टेस्ट दे रहे हैं डेली बेसिस पे, अपने आप को एनालाइज करते चले, ठीक है. तो ये बातें हो गई जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट भी करते जाना. और एक और बात, पेन पेपर साथ लेके बैठना. ये जो 1 मिनट 2 मिनट देखने वाले लोग हैं उनसे मैं बोलूंगा कि आप वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आप अपना टाइम वैसे भी बर्बाद कर रहे हैं. पूरा वीडियो देखिए, कम से कम सीखिए. तो आजकल ये है कि लोग 1-1 मिनट 2-2 मिनट वीडियोज देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है या उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है. एक्चुअली आपकी सर पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है, किसी भी रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा देखें. अदरवाइज नो नीड, आप अपना टाइम बर्बाद करें. आप खुद से पूछिए. जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एग्जामशाला के स्टूडेंट्स हैं, बस पेन पेपर साथ लेकर के बैठो और नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है. पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द 22nd सेशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हेल्ड, ठीक है. कहाँ पे हुआ है ये 22वां सेशन? तो सर जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये पेरिस में हुआ है, ठीक है. इस बात को याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कहाँ पे हुआ? आपका पेरिस में हुआ. अच्छा, इस बार क्या हुआ है? इस बार एक और नई चीज हुई है, वो ये कि थाईलैंड को इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है ना. तो नया मेंबर कौन बना सर? थाईलैंड बना. इस बात को याद रखना. अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है वो इस तरीके से भी बन सकता है कि इस साल जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ ये कौन सा सेशन था? तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, ये 22वां सेशन से. तो आप देखिए, 3 क्वेश्चन मैंने आपके यहीं पे ही तैयार करा दिए. इन बातों को याद रखना है. अब ज्यादा से ज्यादा अगर इसका स्टैटिक पार्ट पूछेगा, जो कि बैंकिंग में पूछ लिया जाता है, तो वो ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, कब शुरुआत हुई, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं. इसके लिए आप चीजों को गूगल करिए, ठीक है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2, हु वन द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, फीमेल अवार्ड एट 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, ठीक है. कभी कभी आपसे एब्रीवेशन में भी पूछा जा सकता है. तो इसके सामने आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब मैं आपको सीधे बता देता हूं. तो सर जी, इसका सही जवाब है उषा जाधव, ठीक है. उषा जाधव को मिला है बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड को, ठीक है. और ये कौन सा सेशन है? तो सर जी, याद रखिए, 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था. अच्छा, ये तो हो गई फीमेल की. अब अगर मैं इसमें मेल की बात करूं, तो मेल की क्या बात है? तो सही इसका है सीयू जॉर्ज, याद रखना, CU SEU JORGE, याद रखिएगा. इनको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है. इज माई पॉइंट क्लियर? बात समझ में आ गई. अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था फेस्टिवल? तो सर जी, ये IFFI फेस्टिवल हुआ था आपका गोवा में. और ये कब से कब तक हुआ? तो ध्यान रखना कि ये आपका 28 नवंबर तक हुआ था, 28 नवंबर को हुआ था. इज माई पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए. 3 बातें मैंने बताई, एक आप बताओ कि इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है. कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करिएगा और ये चैलेंज के तौर पे भी लीजिए. ये नहीं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, हमें पता है, सब सर पता है, तो लिखिए जरूर. क्वेश्चन नंबर 3, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन टू इनेबल द यूनिवर्सिटी टू सेट अप इट्स कैंपस इन द कंट्री, किस यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया है एक अपना कैंपस बनाने के लिए?
तो बताइए सही जवाब क्या होगा। कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया और साइप्रस, क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए इसका सही जवाब है आपका कतर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये कि महाराष्ट्र की है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसे एसटीपीयू के नाम से भी जानते हैं, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और कतर माइलस्टोन इंटरनेशनल एजुकेशन, दो हैं। कौन? कतर माइलस्टोन इंटरनेशनल एजुकेशन, इन्होंने एमओयू साइन किया। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, किस लिए? कि ये अपना एक कैंपस सेटअप करेंगे। सेटअप कहाँ करेंगे सर जी? ये कहाँ करेंगे? आपका दोहा में। बात याद रखना है, बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चौथा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी? मैंने आपको बताया ये है थाईलैंड, ठीक है। ये हुआ कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था सर जी? ये हुआ था आपका पेरिस में। तो इसका न्यू मेंबर कौन है सर? थाईलैंड है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं डेज की तरफ, एक डे है उसको भी देख लेते हैं, सबको पता भी होगा, इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे थीम पूछ रहा हूँ, क्योंकि थीम पूछी जाती है। कुछ बार होता है कि डेज ऐसे पूछ ले जाते हैं जो सबको पता होते हैं, बट थीम वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो इस बार की थीम क्या है? तो थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ठीक है, याद रखना, कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। कभी कभी ग्रामर से भी खेल सकते हैं, तो कम्युनिटी मेक्स कर सकता है, तो वो नहीं करना, ठीक है। तो कम्युनिटी मेक्स द डिफरेंस, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एड्स की फुल फॉर्म क्या है और क्या एक कम्युनिकेबल डिजीज है? कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करिए, क्या ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। हु रिलीज द 2019 एमिशन गैप रिपोर्ट? बताइए एमिशन गैप रिपोर्ट, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। देखिए कई बार कीवर्ड पकड़ लेंगे ना तो भी आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दें तो इसको आप इन्वायरमेंट से जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई होगा। अब बात आती है कि गैप रिपोर्ट यूजुअली नेशनल या इंटरनेशनल पूछेगा, ठीक है, और इसमें ज्यादातर चीजों में यूएन का होता है, ठीक है। तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका सही जवाब, मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को पकड़ने का, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दो में ही मैंने सीधे सीधे एनवायरनमेंट दिया है एंड फिर पॉल्यूशन भी दे दिया है। तो अभी याद रखना क्या है, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्होंने 2019 की एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज करी हुई है, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हुआ है, मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज है, याद रखना। अच्छा अब ये रिपोर्ट कब रिलीज करी गई ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये रिपोर्ट रिलीज करी गई, मैंने नवंबर महीने का जब करंट अफेयर पढ़ा है ना, तो आप इसका नाम लिया था। ये रिलीज करी गई से COP 25 में, COP, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यहाँ पे इसको रिलीज किया गया था। बात समझ में आ गई, तो ये भी याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है, विच मिनिस्ट्री अवार्डेड द फर्स्ट एवर वातावरण? वातावरण एक हिंदी वर्ड है, याद रखिएगा। तो विच मिनिस्ट्री अवार्डेड द फर्स्ट एवर वातावरण 2019 शॉर्ट फिल्म कंपटीशन? तो इसका सही जवाब क्या है सर जी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन्होंने ये किया है। अच्छा ये वातावरण हुआ कहाँ पे जो की कंपटीशन है? तो सर जी ये हुआ आपका दिल्ली में, ठीक है। अच्छा इसमें दो हैं, ये भी याद रखना। अब ये दो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारा सही जवाब भी है, और एक और है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, CMS के नाम से भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा एक छोटी सी बात और है, 1 दिसंबर की ही मैं बात कर ले रहा हूँ, तो नागालैंड ने अपना 57th स्टेटहुड डे भी 1 दिसंबर 2019 को सेलिब्रेट किया। नागालैंड असम से अलग हुआ था 1963 में, याद रखिएगा। ओके चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, स्टैटिक पार्ट में पूछ ली जाती हैं। मैं बढ़ता हूँ 8वें क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने तेरे नाम, 8वां सवाल, वेन वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व? एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी मतलब जो स्लेव होते हैं जिनको बना लिया जाता है उसको हटाया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है आपका 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी डे ऑब्जर्व किया जाता है,
ठीक है, याद रखना। ये क्यों किया जाता है? तो बेसिकली इसमें आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं टुवर्ड्स स्लेवरी, ठीक है, अपने ओपिनियन लिख सकते हैं, पोएट्री भी लिख सकते हो, इंटरव्यूज लिख सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल भी फीचर कर सकते हो, और उसमें काफ़ी बार मटेरियल भी पब्लिश होता है। अच्छा, थोड़ी सी बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, आप जरूर हिस्ट्री पढ़िए एक बार और आपको पता चलेगा ह्यूमंस ने ह्यूमंस के ऊपर ही कितने अत्याचार किए हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूएस में हो, ब्लैक पीपल के ऊपर। आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी रियलाइज होगा। एंड प्लीज़ सेंसिटिव नहीं होना है, पढ़ना है थोड़ा रैशनल होकर के, एंड यू विल नो मैनी थिंग अबाउट योर कल्चर एंड द कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द 2019 एक्सरसाइज मिस्र शक्ति हेल्ड, सॉरी मित्र शक्ति हेल्ड। तो मित्र शक्ति 2019 कहाँ पे हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे में। ठीक है, पुणे न्यूज में था, नवंबर दिसंबर के समय पुणे न्यूज में था, और अभी भी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो भी पुणे न्यूज में आ गया है। तो थोड़ा सा इसको कवर अप रखिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, बाकी तो मैं कवर करता ही जाऊंगा जो भी हमारा करंट अफेयर बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये मित्र शक्ति आपकी कहाँ हुई? पुणे में। ये कौन सा एडिशन था सर जी? ये 7th एडिशन था, याद रखिएगा, एडिशन भी आपसे पूछा जाता है। कब हुई? 1 दिसंबर को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऑन द मिलिट्री स्टेशन में हुई थी। नाम बता रहा हूँ, ऑन द मिलिट्री स्टेशन। मैं वापस से पूरी बातें बता देता हूँ। पुणे में मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई। कहाँ पे हुई? ये हुई आपकी ऑन द मिलिट्री स्टेशन में। कब हुई? 1 दिसंबर को हुई। कौन सा एडिशन था? ये 7th था। अब किसके किसके बीच हुई? तो सर जी, ये इंडिया और दूसरा देश हमारे जो बिल्कुल पास में है वो है आपका श्रीलंका। लाइन ऑफ क्रेडिट को लेकर के भी काफी ज्यादा न्यूज में थे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एफिशिएंसी की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर के इनकी एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, और ये सी हम लोग हर कंट्रीज के साथ करते हैं जिनके भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। खैर, पाकिस्तान के साथ भी की गई है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मार्क्स, तो इसका सही जवाब है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये याद रखना, 2 दिसंबर ये हर साल मनाया जाता है इन ऑर्डर टू ऑनर द लाइफ दैट वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ भोपाल गैस कैलामिटी। याद रखना, जो भोपाल गैस हुई थी उसमें। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी? कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए और बताइए वह कौन सी गैस थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको आंसर करोगे। मैं बढ़ता हूँ 11वें क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल? ठीक है, तो सर जी, इसका सही जवाब है नागालैंड। अभी अभी हमने नागालैंड की बात भी करी थी, 1 दिसंबर को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। तो सर जी, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये आपका किसामा में, जो कि नागालैंड में एक जगह का नाम है, किसामा में ये शुरुआत हुई इसकी, और 10 दिन का ये हॉर्नबिल फेस्टिवल था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कौन सा एडिशन था? तो सर जी, ये 20वां एडिशन था, और उस समय गवर्नर थे RN रवि। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो, अभी भी गवर्नर RN रवि हैं या फिर वो बदल गए हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। ठीक है, मैंने उस समय के हिसाब से क्यों बोला? क्योंकि इट्स बीन 3 मंथ, हो सकता है बदल गए हो। तो कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। गवर्नर वगैरह हमेशा याद करके मत बैठ जाना, तुम 4 महीने पुराना अटेम्प्ट कर रहे हो फिर को कि अच्छा यही गवर्नर थे। नहीं सर। खैर, बढ़ते हैं आगे। इसके अभी अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था COP25 को, इसकी फुल फॉर्म बताई थी, अब इसी को भी देख लेते हैं। वेयर इज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 हेल्ड? कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम, वियना, दावोस और मैड्रिड। तो सर जी, ये हुई आपकी मैड्रिड में। ठीक है, तो याद रखना, ये 2 से 13 दिसंबर के बीच हुई थी। आपने रियल मैड्रिड का नाम भी सुना होगा, फुटबॉल अगर आप देखते हैं या फुटबॉल का आप शौक रखते हैं। अच्छा, अब ये जो मैड्रिड है ये कहाँ पे है? तो सर जी, मैड्रिड है आपका स्पेन में। ठीक है, याद रखना। और ये जो हुई थी, ये हुई थी प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नर ऑफ चिली। इज माई पॉइंट क्लियर? समझ में आ गई? फिलहाल वो नहीं पूछा जाएगा, इस ज्यादा देश की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। हुआ कहाँ? वो मैड्रिड में हुआ। मैड्रिड कहाँ है? वो है आपका कहाँ पे? स्पेन। बढ़ते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन आपके सामने रहा। एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019 इज द व्हाट एडिशन ऑफ इंडिया चाइना ज्वाइंट ट्रेनिंग इज हेल्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट? ठीक है ना, तो मतलब इसमें यूनाइटेड नेशन का मैंडेट है, और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसकी किसकी है? इंडिया और चाइना की है। तो ये कौन सा एडिशन था ये बताना है आपको। तो सर जी, याद रखिएगा, इसका एडिशन है 8th। ठीक है, याद रखिएगा। कब से कब तक हुआ? ये 7 दिसंबर से 20 दिसंबर 2019 के बीच हुआ है।
ठीक है, 8th एडिशन था, डेट 7 दिसंबर से 20 दिसंबर। देखिए जब आप लास्ट वीडियो देख रहे थे तो मैंने एक बात बोली थी कि ये याद रखो कि किस मंथ में क्या क्या चीज हुआ था, सिर्फ रटना नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए, श्योरिटी रहेगी आपके पास। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे, 14 क्वेश्चन, हु इज ऑर्गेनाइजिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सर जी इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। अब कई बार होता है हम ऑल ऑफ द अबव याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया जाए, कभी कभी हो सकता है जितना उन्होंने कोलैबोरेशन किया है वो साथ में, हो सकता है 3 में से 2 को दे दिया जाए, तो ऑप्शंस ध्यान में देने चाहिए। देखिए अगर आज के टाइम पे आपसे कोई बोल रहा है ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वही आएगा, तो मुझे लगता है आपको उससे बचने की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता। रटने से काम नहीं चलेगा, पेपर काफी डायनामिक हो रहा है और उसके लिए हमें एक सिंपल एक टैक्टिक काम नहीं करेगी सर, आपको डेप्थ भी रखनी पड़ेगी, आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा ऑल इन ऑल, ठीक है, मतलब रटे रटे मेथड से काम होने नहीं वाला। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है और ऑल ऑफ द अबव में 3 चीजें आ जाती हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड असम स्टेट गुवाहाटी, ऑफकोर्स आएंगे क्योंकि ये आपका गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, ऑप्शन डी हो गया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 3 लोगों में था। अच्छा आप ऑप्शन ना दे तो हो सकता है कि आप 3ों में से किसी एक को टिक कर दे, सिर्फ जगह का नाम दे दे तो आप गुवाहाटी भी कर सकते हो कि कहां पे ये होस्ट किए गए थे, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 10 जनवरी 2020 से ये शुरुआत हुए थे, इज माई पॉइंट क्लियर, ये 3ों चीजें याद रखिएगा। SGFI जिसकी फुल फॉर्म है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एब्रीवेशन ऐसे बैंक में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हु टुक चार्ज एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है, तो किन्होंने चार्ज लिया है, तो इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल पोदाली शंकर राजेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने 1 दिसंबर को अपना चार्ज लिया था और ये 14वें सिनसैन, नॉट शिनचैन, इट्स सिनसैन, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस बात को कि आप प्रोनाउंसिएशन गलत ना कर लें, इट्स सिनसैन और वैसे भी एब्रीवेशन कलेक्टिवली प्रोनाउंस नहीं करी जाती है, इट्स CINCAN करेक्टली, ये है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बात बताई थी, तो किसी भी चीज को तुम देशभक्ति समझ के कमेंट सेक्शन में ना शुरू हो जाना, CINCAN, ठीक है ना, तो ये 14th CINCAN है, इज माई पॉइंट क्लियर, कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 16 आपके सामने, वेयर इज द 2019 साउथ एशियन गेम्स SAG हेल्ड, कहां हुए, तो सर जी ये 13वें नंबर के हैं, 13th नंबर ये हुए आपके बीजिंग, बीजिंग चाइना में, नवंबर दिसंबर में चाइना पूरी तरह से न्यूज पे था और अभी तो मतलब पूरी दुनिया चाइना को जान गई, छोटा छोटा सा बच्चा भी कोरोना वायरस की वजह से जान गया है। सो 13 साउथ एशियन गेम्स ये आपके चाइना में हुए थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये चाइना में नहीं हुए थे, चाइना में उसने सपोर्ट किया था, ये हुए थे आपके नेपाल के काठमांडू में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो दिस इज माय मिस्टेक, तो ये आपका कहां पे हुआ था, काठमांडू में, काठमांडू आपका नेपाल है, वहां के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था इस मल्टी स्पोर्ट इवेंट को, ठीक है, ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट था, याद रखना सिर्फ एक नहीं था, सो दैट वाज माय मिस्टेक। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, चलिए 17th में आते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट नवल वुमेन पायलट इन इंडिया, कौन बनी, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन भी इसका सही है, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है, ये बनी है और ये जो इनकी ऑपरेशनल ड्यूटीज है ये कोची नेवल बेस पे लगाई गई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इनको जो क्वालिफिकेशन विंग मिला है ये मिला वाइस एडमिरल AK चावला के द्वारा, जो चीफ है सदर्न नेवल कमांड में, ठीक है, तो याद रखने का 2 दिसंबर की ये न्यूज थी। बढ़ता हूं मैं आगे, 18th, हु हैज पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर अ बायोलेटरल प्रोजेक्ट टू अ कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट टू बायोकोल, नीदरलैंड, चाइना, स्वीडन और जर्मन, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका स्वीडन, ठीक है ना, तो इंडिया स्वीडन की एक हाई लेवल डायलॉग इनोवेशन हुआ था जहाँ पे कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है ना, तो ये जो मीटिंग हुई थी तो इसमें इन्होंने कुछ बायोलेटरल प्रोजेक्ट्स को लेकर के बात रखी थी, जहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट था उसको बायोकोल में कन्वर्ट करने की बात रखी गई थी, जरूरी भी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात बोली थी आप सबसे
कि अभी जो आगे सबसे बड़ा सेक्टर बनेगा वो एनर्जी बनेगा। ठीक है, देखो ऑनलाइन है ऑफकोर्स, 2006-07 से बहुत चल रहा है, बट एनर्जी अब सबसे ज़्यादा बनने वाला है क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको हमेशा रहने वाली है। इज माई पॉइंट क्लियर? बात आती है ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किसने किया, तो सर जी ये इस्टेब्लिश किया गया बाय द सपोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NABI। ठीक है, और ये है आपका मोहाली में। ठीक है, और पार्टनरशिप थी इसकी बायोनदेव स्वीडन का ये। ठीक है ना, तो याद रखना नाभी को, याद रखना नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। बढ़ते हैं आगे, 19वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हु वन द 2019 बैलॉन डी ऑर अवार्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट फीमेल प्लेयर? मेल सबको पता होगा, फीमेल बताओ क्या है। तो फीमेल है इसका मेगन रैपिनो। ठीक है ना, मेगन रैपिनो, इनको अवार्ड मिला है, इन्होंने बीट किया लूजी ब्रॉन्स को। ठीक है, याद रखना। और दूसरी तीसरी है एलेक्स मॉर्गन, तीनों नाम यहाँ पे ही है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला है मेगन रैपिनो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल पे लियोनल मेसी को मिला और इनको 6th टाइम मिला है। ठीक है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो लियोनल मेसी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा वो तोड़ा रोनाल्डो जी का, ये भी अभी न्यूज में थे जहां पे एक र्यूमर फैला दिया गया कि इनके 150 होटल हैं, इन्होंने सारे के सारे हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिए हैं। पता नहीं लोगों के पास कहाँ से इतनी अंदर वाली बातें आती हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? इससे रिलेटेड इस मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में भी थी, जाके जरूर देखिएगा। तो इसका सही जवाब है सर ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हर साल आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है, पहली चीज तो ये याद रख लेना। इसके बाद इसकी जो थीम है वो थीम है प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड दियर लीडरशिप टेकिंग एक्शन ऑन द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। मतलब कि आप कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें ऐसे लोगों को भी, आपको याद हो तो मोदी जी ने दिव्यांग बोला था इनको, ठीक है, तो ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और इनकी लीडरशिप भी बढ़ाई जाए। और ये जो एक्शन है, ये जो एजेंडा है 2030 के लिए है। उसमें पॉइंट क्लियर, तो इसको याद रखना, इस थीम को भी। बात समझ में आ गई? अब देखिए 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आप पिछले 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लगभग मैंने आपके 50 क्वेश्चन तैयार कराए हैं, कम से कम। पूरा वीडियो देखिए तो आप खुद सोचिए, 150 क्वेश्चन के बाद आप गिरी से गिरी हालत में 400 क्वेश्चन तो पहुंच ही जाओगे। और इस वीडियो में डिस्कशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन के आसपास ही रखे हैं। अगले में हम लोग 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, 21, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व? तो अभी भी मैंने आपको बताया, आपका ये 3rd दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, और इसका मेन एम है अवेयरनेस रेज करना, अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर बढ़ाना और एक्सेप्टेंस भी बढ़ाना, क्योंकि कई बार होता है अरे ये तो इसके पैर नहीं, इसके हाथ नहीं है, तो वैसा नहीं देना है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों के हाथ पैर नहीं थे बट उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया हुआ है। ठीक है ना, तो कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हु इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ साउथ एशियन गेम SAG? इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है? तो सर जी इसकी गवर्निंग बॉडी है साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल, SAOC। ठीक है, साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, इसमें 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर के नाम ध्यान से सुन लो, आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले जो SAG हुआ था, साउथ एशियन गेम्स, ठीक है, ये हुआ था आपका सितंबर 1984 में काठमांडू में, काठमांडू आपका नेपाल में। ठीक है, ये याद रखना, ये गेम हर 2 साल में एक बार होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। मेंबर्स याद रखना, कहाँ सबसे पहले हुआ ये याद रखना, और इसकी गवर्निंग बॉडी को भी याद रखना। कभी कभी होता क्या है कि सारे मेंबर्स दे दिए जाते हैं, कोई एक गायब कर देते हैं जब क्वेश्चंस को टफ बनाना था, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 23, विच बिल एम्स टू मर्ज दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव? तो क्या है, तो सर जी ऑप्शन डी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2019। ठीक है ना, तो ये राज्यसभा में बिल पास हो गया, ये हुआ था आपका 3rd दिसंबर 2019 को।
और इसका मेन एम था मर्ज करना यूनियन टेरिटरीज को, दादरा नगर को हवेली को, एक एक ही यूनिट इसको बना देने में, ठीक है। और ये लोकसभा में बिल पास हुआ था 27 नवंबर 2019 को, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट लॉन्च विच फेज ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS टू स्टिमुलेट एयर कनेक्टिविटी इन अफोर्डेबल वे। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो रीजन से उनको कनेक्ट किया जाए, लोकल लेवल पे एयरवेज को कनेक्ट किया जाए, प्लेन्स को, एयरपोर्ट्स बनाए जाए, ऐसी वाली बात है इस पे, ठीक है ना। और वो भी अफोर्डेबल वे पे, कि मतलब आम आदमी जुड़े। उड़ान आपको याद है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये कौन सा सेशन है, तो ध्यान देना है सर जी, ये आपका फोर्थ राउंड है, ठीक है, फोर्थ फेज है मैं जिसे बोलूंगा। अच्छा, इसको किस इसमें क्या हुआ, तो सर जी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसमें इनवाइट करी थी बिट्स के लिए, ठीक है, जिससे कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और मैंने आपको उड़ान का नाम लिया, तो सीधी सी बात है कि ये उड़ान के अंतर्गत ही आएगा। इसमें पॉइंट क्लियर। और वैसे भी आजकल हमारे रेलवे का फेयर इतना हो चुका है कि लोग फ्लाइट में आराम से ट्रैवल कर लेते हैं, इफ यू ट्रैवल इन थर्ड एसी और सेकंड एसी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके। सो नाउ 25, विच विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रेगुलेट द यूज ऑफ इंडिविजुअल डेटा बाई द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है ना। कौन सा बिल है जो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन रेगुलेट करने के लिए इंडिविजुअल डेटा बाई द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 होगा। बात समझ में आ गई, तो याद रखना, तो इसमें यूनियन कैबिनेट बनी थी जिसमें आपको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने अप्रूव भी किया इसको, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को। और इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है, तो यूनियन मिनिस्टर का भी नाम याद रखना होता है। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है बताइए। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। ऑप्शन सी प्रविंद जगनॉथ, थोड़ा सा हिंदी का नाम लग रहा है प्रवीण जगनाथ, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रविंद जगनाथ, सॉरी जुगनॉथ, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और ये रहा हमारा 27 क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ रेलवे, ठीक है ना। किस कंट्री के साथ ये आपका साइन होगा, क्या साइन होगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन, मतलब मजबूती देने के लिए कि उनका एक कॉपरेशन है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को लेकर के। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी जर्मनी, ठीक है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने असेंड किया है, हाँ हामी भरी है और अप्रूव भी किया है एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। और बेसिकली इसका जो एम है, JDI का जो एक मकसद है, वो है मजबूती प्रदान करना, एक कोऑपरेशन बनाना एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, ये नवंबर में आई थी पूरी तरीके से न्यूज, अप्रूवल मिलने के बाद ये फिर दिसंबर में वापस से आई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो यमुना नदी का पानी सेल करने की बात किस स्टेट ने करी है, तो कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश लग सकता है, नहीं सर उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तो ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश ने साइन किया हुआ है, इन्होंने बात रखी है कि वो अपना यमुना का पानी सेल करेंगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हैं आपके जयराम ठाकुर, और इसे स्टेट को 21 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का रिवेन्यू मिलेगा, ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे, 29 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे भारत की रैंक की बात करी जा रही है, इंडियन रैंक्ड इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपने कॉमर्स पढ़ी हुई है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा, ई कॉमर्स इंडेक्स की भी बात, ठीक है ना। तो इंडिया की क्या रैंक आई है जो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स है, तो आपके सामने है चार ऑप्शन, और चार ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन इसका सही है, 73, ठीक है, याद रखिएगा, भारत की 73वीं रैंक है। टोटल इसमें 152 कंट्रीज थी, और इसमें नीदरलैंड ने टॉप किया है लगातार दूसरी साल, मतलब 2018 में भी नीदरलैंड ने टॉप किया और 2019 में भी नीदरलैंड ने इसमें टॉप किया है, ठीक है।
तो ये बात आप याद रखिएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन पढ़ रहा है, बहुत सही टाइम पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो जब आप एसबीआई पीओ मेंस देने वाले हो ना, नॉट पीओ, एक्चुअली क्लर्क मेंस देने वाले हो ना, और सीएचएसएल भी, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। आपको 10 वीडियो मतलब 10 घंटे के हिसाब से ले लो तो पूरा करेंट अफेयर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं। वॉट इज द थीम ऑफ द 2019 स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल? तो स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट की थीम क्या है? तो सर इसकी थीम है इंडिया अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन टुमारो टुगेदर। ठीक है, तो ये याद रखना है। बेसिकली इस समिट का जो एम है, ये जो समिट हुई ना, इस समिट का एम है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग को लेकर के। ठीक है, याद रखना। और मोबिलाइज भी किया जा सके, जिससे कि इनोवेशन पे काम किया जा सके, रिसर्च पे थोड़ा सा काम किया जा सके। आज इसकी दूसरी बात आती है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो सर जी इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल गोवा में हुआ था। देखिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है तो मैं लाइन दोबारा बोलता हूँ, सो दैट आपको पास याद रहे, हेडफोन लगा के इसीलिए बैठना है। ठीक है, ये गोवा में हुई, और गोवा में हुई आपकी 6-7 दिसंबर के आसपास हुई थी। हाँ 6-7 दिसंबर को ही हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो समिट है वो है, हुआ है बेसिकली फंड मैनेजर के तौर पे, मतलब फॉर्म्स जितनी होती है ना उनको मदद मिले। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट ही लिखा है तो मतलब सीधी सी बात समझिएगा कि इन्वेस्टिंग की भी बात यहाँ पे करी जा रही होगी। अच्छा, अब बात आती है कि समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया था। तो देखिए समिट को ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ गोवा पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड फिर उसके बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 3 लोग हैं इसमें से, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, 5 दिसंबर की जब मैंने बात, सॉरी 6 से 7 दिसंबर की बात करी है, तो मैं कोई न्यूज और बता देता हूँ, इसी से पुरानी, इससे अलग है थोड़ी सी। हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, हर साल कौन सा? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। और ये एक यूनिक चांस देता है लोगों को वॉलंटियर बनने के लिए, एफर्ट्स अपने बताने के लिए, अपनी वैल्यूज को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, आधा वीडियो हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 31 में अल्फाबेट के सीईओ कौन बने हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है पिचाई सुंदर राजन। ठीक है, पिचाई सुंदर राजन, ये याद रखिएगा, ये अल्फाबेट के मिले, वो सुंदर पिचाई से इसको दिक्कत मत दे देना। ठीक है, और ये कंपनी के को फाउंडर लैरी पेज उनको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का मतलब भी नहीं, लैरी पेज को हटा दिए गए, मतलब लैरी पेज अपना कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, गूगल इसकी पेरेंट कंपनी है, किसकी? अल्फाबेट की। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के बारे में पता भी रखना चाहिए। अब चाहे तो एक मजे की बात बताता हूँ, गूगल में लगा के लिख के हाउ टू सर्च समथिंग इन गूगल, तो आपको बहुत सारे वेज मिलेंगे गूगल को यूज करने के। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, ये जो IFC है ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे मैं IFC बोला, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 जुलाई 1956 को, और हेडक्वार्टर तो मैंने आपको इसका बता ही दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बेसिकली ये काम क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइजरी करता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, और इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज में। देखो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पता होता है तो अच्छा रहता है। एज आई ऑलवेज से इन माई क्लास, यू नीड टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दिसंबर वॉज चूजन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से तुम्हारा तैयार हो गया, और अभी मैंने वॉलंटियर डे भी बता दिया, एज इट करेस्पॉन्ड विद द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ। ठीक है, मतलब किस लिए मनाया जाता है, बेसिकली किस लिए मनाया जाता है 5 दिसंबर को?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेट एच एम किंग, भूमि बोल अदुलायदेज, ये थाईलैंड के किंग थे, ठीक है ना। तो ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हीं की याद में सॉइल डे मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये सबसे कह सकता हूँ शुरुआती लोगों में से थे, या इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस इनिशिएटिव में, बात समझ में आ गई। इसके अलावा 2002 को ये डिसाइड किया गया था कि हर साल वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाएगा। किसने किया था, किसने रिकमेंडेशन दिया था, तो सर जी रिकमेंडेशन था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस का, IUSS, ठीक है, IUSS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बेसिकली इसकी थीम क्या है 2019 की, इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसकी थीम रखी गई वर्ल्ड सॉइल डे की, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बात अगर रखी जाती है वो ऐसे डेज इसलिए मनाए जाते हैं कि मुझसे रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स को जान सके, ठीक है। मतलब यहाँ पे बता रहा है जो इसकी थीम है या इस डे का मेन मकसद है वो ये है कि इम्पॉर्टेंस समझिए ह्यूमन वेलबींग के लिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, और अभी तो आप देख ही रहे ना कोरोना वायरस को लेकर के, तो ये याद रखना है। देखिए ऐसी चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस रहनी चाहिए, पता भी तो रट के बैठ रहना है कुछ होता नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात बोली थी कि कुछ 2 मिनट के लिए वीडियो देखने आते हैं उनको कुछ नहीं होने वाला, सर आप कहीं से भी पढ़िए इस दुनिया में, लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे रहे, आप सोचे कि 2 मिनट पढ़ लें तो आप ऐसे ऐसे 20 वीडियो देख लेते हैं, फिर पता चलता है 2 घंटे आपको लगता है अरे आज मैंने बहुत पढ़ लिया, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑर्गेनाइज 2019 नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव, किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका सही जवाब है BNC। अब BNC में कौन कौन से हैं, तो पहला तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, ठीक है ना, इन दोनों ने किया है ये आपकी 2019 नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव, ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, ये 2 दिन तक चली थी, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कभी। चलिए आते हैं 35, कहाँ पे हुई, वेयर वॉज 2019 नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव, तो ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि इनॉग्रेट किसने किया था, मैंने इसलिए रखा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि डिस्कशन उस पर मैंने ठीक ठाक कर दिया था, तो ये 2019 की आपकी दिल्ली में हुई और इसका इनॉग्रेशन किया यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज, मैं दोबारा बोलता हूँ, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री एंड रेलवे पीयूष गोयल जी ने, अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश ने, 2 लोग थे, तो यहां से भी आपसे बात पूछती है एग्जामिनर। बढ़ता हूं मैं आगे, 36, हु कन्फर्ड द 2019 नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड किसने कन्फर किया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये नर्सिंग पर्सनल्स को दिया जाता है, जो नर्स होती हैं उनके लिए अवार्ड होता है, ठीक है, 5 दिसंबर 2019 को ये हुआ था, ठीक है। किसने कन्फर किया, ये किया प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी, ओके। चलिए बढ़ता हूं आगे, 37 पे आते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, WHO ने भी अनाउंस किया है 2020 को एज द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है ना, तो WHO ने क्या किया 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। तो 37 में आ चुका हूँ, 37 को भी देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने 37, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्टिफाइड इंडियन फर्स्ट ईट राइट स्टेशन, याद हो तो ये दिसंबर में ही आया था जब बात ये करी गई थी कि कौन सा स्टेशन है जहाँ पे खाना स्वच्छ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उस पे कौन सा स्टेशन है जो सबसे पहले स्टेशन बना जिसको सर्टिफाइड किया गया, तो ये मुंबई का स्टेशन है, मुंबई का कौन सा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, इसको मिला सबसे पहला, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है। और ये जो मूव है ये आया ईट राइट इंडियन इनिशिएटिव और इसको स्टार्ट किया FSSAI, ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। अब देखिए मुंबई के ये स्टेशन है तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे से भी, जैसे मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन लिख दें, बांद्रा स्टेशन लिख दें, क्योंकि बांद्रा में भी हुआ था एक, ये मतलब ये नहीं हुआ था, दूसरा हुआ था, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं करना है।
अभी तक के वीडियो मैंने डेज काफ़ी कवर किए हैं, कॉन्क्लेव कवर किए हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पे जब आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो कुछ चीज़ें होंगी जो कि डेज से रिलेटेड नहीं होंगी। डिस्कशन यहाँ पे भी काफ़ी है, इनको ध्यान से समझते जाओ। आगे आते हैं, हर चीज़ रिकॉल इसीलिए कराता रहता हूँ बीच बीच में कि भाई पढ़ क्या रहे हो। वट इज़ द थीम ऑफ द सेकेंड नागालैंड हनी बी डे? नागालैंड से रिलेटेड ये हमारी तीसरी न्यूज़ बनने वाली है, तो थीम क्या है? तो सर इसकी थीम है सेव बी सेव लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नेचर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। अच्छा, अब थोड़ी सी इससे रिलेटेड चीज़ें भी देख लेते हैं हनी बी डे से। तो ये आपका सेकेंड नागालैंड हनी बी डे सेलिब्रेट हुआ, ये हुआ था आपका 5 दिसंबर को, तो ठीक है ये याद रखना। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, हेरिटेज साइट है डीसी बंगलो, ये कोहिमा में है, कोहिमा आपका नागालैंड में है। मैं बताता हूँ, रानी ऑफ द सोसाइटी, रानी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या बोलूँ मैं उसको, कि लोगों को यही नहीं पता कि नागालैंड कहाँ पे है। मैंने ऐसे लोगों को भी देख लिया है, लेकिन जरूरी है जानना। कोहिमा हो गया तो पूछ लेंगे, वो कह देंगे सर थाईलैंड में पड़ता है, जापान में पड़ता है, कोई ये बता दे, क्योंकि सर वो नागासाकी जैसा सुनाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, अपने देश को भी थोड़ा ध्यान रखो, और आपको भी मिलेगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा। खैर, ये छोटी छोटी बातें अवेयरनेस के लिए होती हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थीम क्या है इसकी। तो सर जिसकी थीम है सेव बी सेव लाइफ, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन में है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने रहा। सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? तो ये किया जाता है आपका 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर से रिलेटेड कितनी सारी हो गई, वॉलेंटियर डे हो गया, सॉइल डे हो गया, फिर आपका सिविल डिफेंस डे हो गया, हनी बी डे हो गया, मतलब सोचो कितना इंपॉर्टेंट डे हो गया। अब ये 4-5 दिन हो गई, तो ध्यान देना। अभी फिर बात कर लेते हैं सिविल डिफेंस डे को, तो ये याद रखिएगा आपका कब होता है, ये आपका ऑप्शन सी है 5 दिसंबर, ठीक है, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, और बेसिकली यहाँ पे क्यों किया जाता है कि भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, और सिविल डिफेंस की आपकी इंपॉर्टेंस भी लोगों को समझ में आए। बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। विच टीम वॉन द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब? ऑफकोर्स ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर 2019। तो कौन सी टीम को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ने जीता है? तो इसका सही जवाब है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, मेलबर्न क्रिकेट टीम क्लब को एमसीसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कब मिला? क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था, वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने बहुत ही शानदार, एक सेकेंड, हराया था आई गेस, सॉरी न्यूजीलैंड हारी थी, उनकी स्पोर्टमैनशिप को दिखाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 41। वेयर विल द एक्सरसाइज इंद्रा 2019 बी हेल्ड? कहाँ हुई? तो सर जी ये आपकी हुई ऑल ऑफ द अबव, सब जगह पे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव क्या? 10 से 19 दिसंबर के बीच हुई आपकी इंदिरा 2019, या मैं बात करूं एक्सरसाइज इंदिरा जो है ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ठीक है, ये ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और ये 10 से 19 दिसंबर के बीच हुई, और ये हुई आपकी बबीना में, पुणे में और गोवा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। बबीना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, फिर पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, और गोवा गोवा में ही पड़ता है, स्टेट है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक लॉन्च द माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी? किस बैंक ने किया है? तो HDFC इर्गो ने किया है, ERGO, ठीक है, HDFC भी दे सकता है और HDFC इर्गो भी दे सकता है। HDFC से कंफ्यूज करने के लिए उसके पास काफी है, उसकी काफी सारी अपनी कंपनी चलती हैं जो कि NBFC में भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो HDFC इर्गो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने ही लॉन्च किया माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी, और ये बेसिकली डिजाइन करी गई है जो वुमेन्स को काफी सारी इलनेस होती हैं, बीमारियां होती हैं जो उनको पूरी जिंदगी झेलनी पड़ती है, उसके लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, 43। देखिए अगर आप थक गए हो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वापस से आकर के देख सकते हो, 10 मिनट का रेस्ट लो, आई नो कंटेंट काफी ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल कॉन्वेंशन ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी हेल्ड इन गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश।
इसका सही जवाब है आपका राजस्थान। ठीक है, ये आपका राजस्थान में हुआ था। बढ़ता हूं आगे, और ये रहा विच वर्ड वॉज नेम्ड एज द 2019 वर्ड ऑफ द ईयर बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देखिए, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश में खुद के उनके कोई शब्द नहीं है, जो ये लोग हर साल ऑक्सफोर्ड वाले दुनिया भर के पॉपुलर वर्ड्स को उठाते हैं और उनको अपनी डिक्शनरी में शामिल करते हैं। ठीक है, वो फिर पॉपुलर संविधान आ चुका है, जंगल वर्ड है, जय हो इंग्लिश वर्ड है जो अब बन चुका है, तो ये रहता है। ठीक है ना, तो याद रखना, छोटी सी बात है, ऐसा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करी गई कौन सा वर्ड है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी बनाएगी, इसे बोला जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर के। 2019 में बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, स्पेशली जो पेरिस कन्वेंशन 2015 हुआ, उसके बाद से क्लाइमेट को लेकर के काफी ज्यादा अवेयरनेस है, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ज्यादा है, रियल में नहीं है। तो ये वर्ड काफी पॉपुलर हुआ, इसे वर्ड ऑफ द ईयर का मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ड्स थे, जैसे क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट डिनियल, इको एंग्जाइटी, एक्सटिंक्शन, फाइट सेम नॉट सेम, तो ये भी कुछ और शब्द हैं, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट डिनियल, इको एंग्जाइटी, एक्सटिंक्शन एंड फाइट सेम, तो ये कुछ शब्द हैं, इनको भी हमें याद रखना है। पढ़ता हूँ मैं आगे 45वां क्वेश्चन आप सबके नाम, और ये रहा हमारा व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट। क्या थीम है? तो इसकी थीम है ऑप्शन डी, और ये है आपका क्लीन गंगा वेल्थ ऑफ मदर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आज कुछ चीजें दिमाग से उतर रही हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शन डी नहीं है, इसका सही जवाब है वैल्यूइंग वाटर ट्रांसफॉर्मिंग गंगा। ठीक है, गंगा ही दिमाग में था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इस वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, ये आपका रहेगा, ये फोर्थ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट थी, और ये आपकी 5 से 7 दिसंबर के बीच हुई। ठीक है, हुई कहाँ पे? ये विज्ञान भवन में हुई, और विज्ञान भवन आपका न्यू दिल्ली में है। समिट है वैल्यूइंग वाटर एंड ट्रांसफॉर्मिंग गंगा, क्योंकि गंगा से रिलेटेड था, सो दैट कम्स इनटू माय माइंड, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 46। व्हेन इज द इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ऑब्जर्व। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग विद्या मंदिर में पढ़ते थे, हर साल होता था आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, 5 रुपए का हमको टिकट मिलता था, उस पे ही हम लोग को 5 रुपए देने होते थे, बाकी और भी काफी सारे बैचेस वगैरह आते थे, आप चाहते तो आप ज्यादा भी ले सकते थे। खैर, करना चाहिए देश की आर्मी के नाम, सबको सलाम। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, और ये हर साल होता है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऑनर दिया जाता है, जो डे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो ऑनर देने के लिए है, जो हमारे मार्टियर्स से शहीद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी देश की सेवा में लिए, उनको ऑनर करने के लिए आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए, और हर देशवासी का कर्तव्य भी बनता है। 47वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और द विच इंडिया वाटर समिट इम्पैक्ट समिट 2019 फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन अर्बन एंड रूरल सेटिंग। तो इसका सही जवाब है आपका फोर्थ। ठीक है, याद रखना है, ये फोर्थ था, अभी भी मैंने आपको बताया था। इज माई पॉइंट क्लियर? याद रखिएगा, मैं बढ़ता हूँ आगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए, इसने किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज ने, सी गंगा के नाम से भी जिसको रहता है, मैं दोबारा नाम बोल देता हूँ, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, और IIT कानपुर ने, तो 3 लोगों ने इसने कोलेबोरेशन किया हुआ था। आते हैं 48 में, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मैच रेफरी टू ओवरसीज मैंस ODI। ठीक है, ये फुटबॉल में तो बहुत बार हुआ, इन आपका क्रिकेट में पहली बार हुआ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है GS लक्ष्मी, ये भी न्यूज में रही काफी, तो ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रही हैं GS लक्ष्मी, ये पहली वुमेन मैच रेफरी बनी। ठीक है, याद रखिएगा, मेंस वनडे इंटरनेशनल में, बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा ये कहाँ पे हुआ था? तो एक लीग हुई थी UAE में, UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे आते हैं, हु ऑर्गेनाइज द इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट इन 2019, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ANB, मैंने आपको ये बताया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज बाय IIT कानपुर। ठीक है, ये IIT गुवाहाटी से मत कर देना।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? इसका सही जवाब है आपका हरियाणा। ठीक है ना, तो हरियाणा में फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, तो ये 101 एनिमल फार्मर्स को दिया गया था, भिवानी में दिया गया था। भिवानी आपका हरियाणा में पड़ता है। ये न्यूज़ आपकी 6 दिसंबर की है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिलहाल इन्होंने टारगेट बनाया है 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड देने का मार्च 2021 तक का। ठीक है, और इसका एम क्या है? इसका मेन एम है जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल कर दिया जाए। ऐसे हर सरकार ऐसे प्रॉमिस करती है, देखते हैं क्या होता है। आगे आते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व? थोड़ी देर पहले ही जब मैंने उड़ान की बात करी थी तो मैंने सिविल एविएशन की भी थोड़ी बात करी थी। अब बात कर लेते हैं कि ये कब होता है। तो देखिए, अब 7 दिसंबर लगातार न्यूज़ में आता हुआ, तीसरी बार 7 दिसंबर आया है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आपका 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो इसका मेन एम है वो है यूनिक रोल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेल्प करता है स्टेट्स को, स्टेट मतलब कंट्री भी होता है, टू ऑपरेट एंड रियलाइज द ट्रूली ग्लोबल एंड रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क। ठीक है, मतलब जो बेसिकली सारे के सारे लोग इससे जुड़ पाए। आते हैं 52 में, व्हेन वाज द फर्स्ट फिट इंडिया प्लॉगिंग रन लॉन्च्ड इन इंडिया? कब पहली बार या पहली फिट इंडिया प्लॉगिंग रन लॉन्च हुई थी, बताइए। तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 को। और ऑफकोर्स हमारी गांधी जयंती उस दिन होती है। ओके, याद रखना। इसमें क्या हुआ था, 50 शहरों में 36 लाख लोगों से भी ज़्यादा, 62,000 लोकेशन पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये ऑर्गेनाइज करी गई थी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई के नाम से भी जानते हैं, SAI। ठीक है, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, इनमें वैकेंसीज भी आई थी उसी समय पे, नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल सर्विस स्कीम NSS और NGO और केंद्रीय विद्यालय और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये कुछ थे। तो ध्यान देना है कौन कौन से हैं। एक तो आपका साई हो गया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन, फिर नेशनल सर्विस स्कीम और केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसमें ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने मिलकर इस पे काम किया। बढ़ता हूँ आगे, व्हाट इज द थीम फॉर द एमेच्योर कैटेगरी ऑफ द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड? ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपकी ऑप्शन बी, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा पिछले ही क्वेश्चन में, वो ये कि जो आपका इंडिया प्लॉगिंग रन लॉन्च्ड हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। क्योंकि हुआ क्या, रिसेंटली कई ऐसी न्यूज़ आई जहाँ पे पूछा गया। मैंने लास्ट नवंबर में भी एक न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पे नया स्टेडियम बन रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के, जहाँ नामकरण किया गया। और इसी तरीके से एक न्यूज़ आई और भी थी अक्टूबर के आसपास, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात थी, इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स की बात थी। इस वजह से इस इन्फॉर्मेशन को बताना मैंने थोड़ा जरूरी समझा, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा बढ़ता हूँ मैं आगे, 54 में आ चुके हैं, ये रहा आपके सामने 54। वेयर इज द अवंती मेगा फूड पार्क लोकेटेड? ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सर जी, ये लोकेटेड है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग के, हरसिमरत कौर बादल ने, इन्होंने इनॉग्रेट किया अवंती मेगा फूड पार्क को। ये है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के देवास में है। ठीक है, ये याद रखना, ये अपने आप में पहला फूड पार्क होगा सेंट्रल इंडिया का। बढ़ते हैं आगे, 55वां क्वेश्चन, 55 आपके सामने रहा और रहा। विच स्टेट लॉन्च द बुकलेट ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 8 इन गवर्नमेंट स्कूल? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ और टीचिंग की बात रखी है 6 to 8 गवर्नमेंट स्कूल्स में? मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप भीमराव अंबेडकर जी को जरूर फॉलो करें। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति धर्म, नथिंग टू डू विद इट, मैं मानता भी नहीं हूँ जाति धर्म को, लेकिन जरूर पढ़िए इसके बारे में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको संघर्ष दिखेगा एक व्यक्ति का, जिसको क्लास में बैठना
अलाउ नहीं था और उसने भारत का संविधान लिख दिया। अब आप छोटी सोच के होंगे तो मैं शायद आपकी बात से एग्री कभी ना करूं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। आप पढ़िए, आपको दिखेगा कि एक पर्सन जिसको क्लास में बैठना अलाउ नहीं था वो क्या करके चला गया। 22 साल की एज में पीएचडी ले ली, दुनिया के यंगेस्ट पर्सन बने जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी ली, बहुत बड़ी बात होती है। जरूर पढ़िएगा इनके बारे में, आपकी सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तीन चार लोगों को जरूर पढ़िए, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। यू विल नो कंट्री, यू विल नो आवर कंट्री, यू विल नो ह्यूमन नेचर, कैसे लोग बड़े। 39 ईयर की एज में गांधी जी को एहसास हुआ था कि उन्हें कुछ देश के लिए करना चाहिए और एक पतले दुबले से आदमी ने देश बदल दिया। खैर, मैंने आपका 2 मिनट का समय लिया, माफी चाहूंगा, बढ़ते हैं आगे। 55 में है तो ये कौन सा स्टेट है? तो देखिए सर, इसका सही जवाब है आपका दिल्ली। ठीक है, स्टेट मैंने लिखा है, लेकिन यू आप लिखना चाहो तो टेरिटरी भी लिख लो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी न्यूज इनसे रिलेटेड भी। तो देखिए, हर साल 6 दिसंबर को, सॉरी 6 दिसंबर को आपकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, और इस साल 63rd डेथ एनिवर्सरी थी भीमराव जी राव अम्बेडकर की। ओके, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। इनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ये जूरिस्ट थे, इकोनॉमिसिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने दलित मूवमेंट को, बुद्धिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात नहीं करी, तो उन्होंने से बोला था भैया पानी का अधिकार तो हमें दे दो, जो जंग शुरू हुई थी वहीं से हुई थी और ये बुरा है। पढ़िए, अगर दिमाग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हाँ वो गलत था। खैर, आगे आते हैं। 56, विच स्टेट सेंट्रल कमिटी ऑफ डिफरेंट एथिक ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट स्यूकाफा अवार्ड। ठीक है ना, किसने स्यूकाफा अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया है? इसका सही जवाब है आपका आसाम ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया था। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है आपके जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं उनको, और इस साल दिया गया एजुकेशनिस्ट, बोटनिस्ट, फोलकोर रिसर्चर डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई जी को। ठीक है, तो ये याद रखना, ये किनको दिया गया? पद्मेश्वर गोगोई जी को इनको अवार्ड मिला, स्यूकाफा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 57 आपके सामने, हाउ मच डिड इंडिया प्रोवाइड एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश? काफी ज्यादा न्यूज में था, बांग्लादेश और भारत ने और भी कई देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी। तो यहाँ पे भारत ने कितनी दी? ये दी है $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और बेसिकली ये डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट के लिए था। बात समझ में आ गई? अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी वो आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है और ये क्यों दी जाती है। बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020? 2020 की ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में किसने टॉप किया? उसमें टॉप किया आपके जापान ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें टोटल 181 कंट्रीज हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया म्यांमार फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट वाज हेल्ड ऑन 6 दिसंबर, ये कौन से नंबर की कंसल्टेशन थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सर जी, ये थी आपकी 18th। ठीक है, ये 6 दिसंबर को हुई थी और इसमें जो इंडियन डेलीगेशन था उसको लेट किया था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सी जी विजय गोखले जी ने, और म्यांमार डेलीगेशन को लेट किया था वहाँ के परमानेंट सेक्रेटरी यू सोय हान। मे बी मैं उनका नाम गलत बोल रहा हूँ, इस यू सोय हान, इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टेड डेलीगेशन को लेड किया था। बढ़ते हैं आगे, आज का 60वां क्वेश्चन। और देखिए, लगभग 1 घंटा ही हुआ है और 1 मिनट के हिसाब से देख लो तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसमें सीखा। 60वां क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल भी, वेयर वॉज द फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन लाइब्रेरी लोकेटेड? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लिसमोरे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, जो फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन लाइब्रेरी मूवमेंट है, जो पहला ह्यूमन लाइब्रेरी मूवमेंट है, वो स्टार्ट हुआ था 2000 में, सन 2000 में, और ये हुआ था आपका कोपेगन में, कोपेगन है आपका डेनमार्क में। ठीक है, और ये इसके बाद अगर फर्स्ट इवेंट की बात करी जाए तो ये आपका फर्स्ट इवेंट आपका हुआ था रोशी कीडे डेनमार्क में। ठीक है,
याद रखिएगा। और फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन लाइब्रेरी जो इस्टेब्लिश करी गई थी वो 2006 में इस्टेब्लिश करी गई थी, ये करी गई थी लिसमोरे ऑस्ट्रेलिया में। इज माई पॉइंट क्लियर? और इसमें लगभग 70 एक्टिव कंट्रीज हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बेसिकली ह्यूमन लाइब्रेरी होती क्या है? तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली बुक को रिप्लेस कर दिया जाता है। आप ह्यूमंस को इसमें थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल टॉक नहीं होगी कि मतलब गए और आप डेट वगैरह सोच लो, तो ये वैसा नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपका डेनमार्क में इसका स्टार्टिंग